में आधी आबादी की बंपर वोटिंग क्या इशारा कर रही है? महिला वोटर ने बीजेपी की लाडली बहना पर मुहर लगाई है या कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर? आखिर बंपर मतदान का रुझान क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। बहनों सुनो, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं की भूमिका क्या रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का फोकस सबसे ज्यादा महिलाओं पर रहा। सियासत भले ही सनातन से लेकर इधर उधर के मुद्दों पर गर्माती रही हो, लेकिन राजनीति के केंद्र में सिर्फ महिलाएं ही रहीं। सबसे पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए लाडली बहना योजना की घोषणा कर दी। मामा की छवि वाले शिवराज भैया कहलाने लगे, तो कांग्रेस ने भी जल्द ही नारी सम्मान और सस्ते गैस सिलेंडर का दाव चला, जिसके बाद आधी आबादी के लिए घोषणाओं की झड़ी लग गई। पार्टियों के वादों का असर वोटिंग ट्रेंड में भी देखने को मिला। 2023 में 74% महिलाओं ने डाला वोट, 34 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। 3 दशकों में तकरीबन 24% बड़ी वोटिंग, पुरुषों की तुलना में करीब 2.5 गुना बड़ी वोटिंग। आधी आबादी ने चुनाव दर चुनाव बढ़ चढ़कर वोट किया, तो बीजेपी कांग्रेस ने भी दिल खोलकर घोषणाओं में महिलाओं को शामिल किया। अब पार्टियां भी पूरे हक से दावा कर रही हैं कि बंपर वोटिंग उन्हीं के पक्ष में है। मध्य प्रदेश भी मॉडल जिला है, गांव गरीब किसान और गरीब कल्याण की योजनाएं और लाडली बहनों ने चमत्कार किया। 8 से 10% वोट लाडली बहनों के महिलाओं के ज्यादा डले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। अब नारी सम्मान चूंकि आगे मिलना है तो नेचुरली कुछ तो प्रभाव है ही है उसका, और कांग्रेस चूंकि उनको भरोसा है, पिछली बार जब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो 3-4 जो मोटी मोटी चीजें थी हम लोगों ने लागू कर दी थी, तो उनको भरोसा अगर कांग्रेस ने लिखा है अपने वचन पत्र में तो ये लागू होंगी, इसका लाभ हमें मिलेगा, ये लोगों को भरोसा है तो उसका भी फायदा है हमें। बंपर वोटिंग के पीछे लाडली फैक्टर है या नारी फैक्ट, ये नतीजों से साफ होगा। लेकिन आधी आबादी का सरकार चुनने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना महिलाओं के साथ लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो छत्तीसगढ़